हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आपका दीपक सर फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम लोग गॉस थ्योरम का लेक्चर नंबर 2 कहें या इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 12 पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बारे में जानेंगे कि गॉस लॉ से रिलेटेड एप्लीकेशंस क्या होते हैं और गॉस लॉ से हम सिलेंडर के लिए, स्फेयर के लिए, हॉलो स्फेयर, कंडक्टिंग स्फेयर सभी के लिए फील्ड कैसे निकालते हैं। तो आप जानते हैं, आई एम दीपक चतुर्वेदी, दिस इज योर ट्यूट सर चैनल दीपक सर फिजिक्स क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने हेडिंग लगाई है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर, एप्लीकेशन ऑफ गॉस। तो मान लीजिए ये एक इनफाइनाइट वायर, इसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, अब हमको करना क्या है? इसके लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। तो अगर हम सोचें कि इसे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें? तो हम एक काम करते हैं, हम एक सिलेंडर बनाते हैं। वैसे भी वायर एक सिलेंडर होता है। अगर आप वायर को ध्यान से देखें तो उसमें डायमीटर होता है, उसकी जो वॉल होती है वो डिनोट करती है एज अ सिलेंडर फॉर्म, कि वो सिलेंडर की तरह होता है। पॉजिटिव के लिए फील्ड आउटसाइड होती है, पॉजिटिव है दोनों तरफ फील्ड कैसी होगी? आउटसाइड। तो हम इसके लिए क्या करें? गॉसियन सरफेस बना ले। आप गॉसियन सरफेस जानते हैं, गॉस ने जो फील्ड के लिए प्रूविंग दी उन्होंने एक क्लोज सरफेस बनाया, उस क्लोज सरफेस को 3D कहा। उस 3D का कुछ ये नहीं कहा, उसमें कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स नॉट अफेक्टेड बाय शेप एंड साइज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शेप एंड साइज से हम डिफेक्ट नहीं डाल सकते। इसका मतलब है उसका शेप क्लोज होना चाहिए। अब उस शेप में आप किसी प्रकार का शेप बना सकते हैं, जैसे बायो में टॉपिक था अमीबा, आप उसी तरीके फिगर बना सकते हैं। क्लोज सरफेस की बात करेंगे तो हम गॉसियन सरफेस ड्रा कर लें। हमने क्या देखा? आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है जहां पर हमको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या किया? एक सरफेस ड्रा किया। कैसे? एक सरफेस बनाया जिसको हम क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस। कुछ इस तरीके से पॉजिटिव है फील्ड आउटसाइड, तो इस तरफ भी आउट। अब हम थोड़ी सी बात को समझते हैं। यहां पर इसकी रेडियस आर, अगर हम थोड़ी सी बात को समझें और यहां पर एक चीज देखें कि जो गॉसियन सरफेस है, तो हमको मालूम है कि गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक होती है। देन इट क्रिएट अ गॉसियन सरफेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी बेटा? सिमेट्रिक होगी। सिमेट्रिक हम बता चुके हैं आपको लास्ट लेक्चर में। अगर इस सरफेस को देखें तो जो राइट साइड की सरफेस जितनी होगी उतना ही वो लेफ्ट में क्रिएट करता है, तो ये हमारा क्या है? सिमेट्रिक फॉर्म। अब सिमेट्रिक फॉर्म में एक बात और जाने कि हमको मालूम है कि फाई क्या होता है? सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी, इसको हम लिख सकते हैं
इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू कैसा था? इनसाइड था। फाई किसका होता था बेटा? क्लोज सरफेस का। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा था टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस विच इज इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज थ्रू इनसाइड द सरफेस। किसी क्लोज सरफेस के लिए जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वो किसके इक्वल था? वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। अब यहां पर अगर हम देखें फाई की वैल्यू को कैलकुलेट करें, जरा सरफेस देखें, एक सरफेस ये हो गया, इसको फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकेंड सरफेस हो गया और ये थर्ड सरफेस। अगर हमने छोटा सा वेक्टर यहां पर लिया कि छोटा सा डी ए, तो कैसा होगा? परपेंडिकुलर आउट होगा। एरिया वेक्टर कैसा होगा? कैसा होगा? परपेंडिकुलर आउट। यहां पर फिर यहां का एरिया वेक्टर कैसा होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इसका मतलब इस तरीके से, यहां पर भी इसी तरीके से होगा बेटा, इस सरफेस में परपेंडिकुलर आउट। बताइए नेट फ्लक्स कितना हुआ? अगर हम नेट फ्लक्स की बात करते हैं तो फाई टोटल तीन सरफेस बनाए, फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री। जरा फाई वन फाई टू और फाई थ्री में देखो, हम एक फॉर्मूले को समझ लें। फाई वन क्या है? ईडीए कॉस थीटा, फर्स्ट सरफेस। तो फाई टोटल क्या बना? ईडीए कॉस कितना दिख रहा है? 90 पहला सरफेस। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड और फील्ड बाहर, दोनों के बीच एंगल कैसा बना? 90 डिग्री का बना। प्लस फाई टू क्या हुआ? ई डी ए कॉस 90। जरा सेकेंड सरफेस देखो, ये सरफेस है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड और ये इलेक्ट्रिक कैसा? 90 डिग्री। प्लस फाई थ्री क्या? ई डी ए कॉस थीटा। जरा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है और परपेंडिकुलर जो वेक्टर है एरिया वेक्टर का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो एंगल कितना? 0 डिग्री। तो ये कॉस 90 जीरो होता है, ये 0 हो गया और ये भी। तो बताइए फाई की वैल्यू क्या आई? फाई टोटल आ गया ई डी ए, ठीक, ई डी ए। अब ई डी ए से जरा देखो, फाई टोटल इक्वल ई और सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ए। एरिया तो छोटा छोटा करके पूरा एरिया लेंगे ना, इसका मतलब है ये पोर्शन फर्स्ट में जीरो है फ्लक्स, सेकंड में फ्लक्स जीरो है, तो किस साइड बचा? आउटसाइड इधर और आउटसाइड इधर, यही दो सरफेस बची। अब ई इंटीग्रल और डीए, जरा दोनों में सोचिएगा, यहां पर एक नया टॉपिक भी पढ़ाया जाता है कि इसके आगे अगर हम जाने तो कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका फॉर्मूला लैम्डा इक्वल क्यू बाई एल होता है। मतलब इस सिलेंडर की लेंथ को हमने मान लिया एल, जो सिलेंडर बना गॉसियन सरफेस जो बना उसमें इसकी लेंथ क्या है? एल। लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लैम्डा इक्वल क्यू बाई एल होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। एक मीटर लेंथ में चार्ज, एक मीटर लेंथ है तो उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 1 की हो जाएगी। अगर हम उसको 2 मीटर के हिसाब से करते हैं तो वैल्यू उसकी 2 लैम्डा हो जाएगी, और लेंथ को 3 मान के करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 लैम्डा हो जाएगा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, फॉर्मूला द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो
इसके अगर यूनिट की बात करो तो कूलाम पर मीटर, इसकी यूनिट क्या हो गई, कूलाम पर मीटर। जरा आगे देखो, इसी के आगे बढ़ा दें इसको, फाई टोटल, तो फाई की वैल्यू क्या बेटा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होती है। गॉस थ्योरम में पढ़ा था हमने, ई इंटीग्रल ऑफ डी ए, मतलब ए हो जाएगा, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इंटू एल, क्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा, यहां से क्यू की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगी, लैम्डा इंटू एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई। बताओ सरफेस एरिया कितना होगा इसका, कितना होगा, टू पाई आर एल। सरफेस एरिया कितना होगा इसका, सिलेंडर का सरफेस एरिया टू पाई आर एल, एल से एल कैंसिल हो गया, तो जरा ई की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, ई कितना आया, लैम्डा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टू पाई और आर, ई की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, फॉर्मूला क्यू बाई एल होता है, टू पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट क्या, वैक्यूम परमिटिविटी है, कांस्टेंट होती है, इसका मतलब ई का आर से रिलेशन क्या निकल के आया, ई प्रोपोर्शनल वन अपान, ई प्रोपोर्शनल वन अपान आर का मीन्स कि जितनी डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस पे आप कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को तो उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। अगर ये आर पॉइंट थोड़ा और पास में होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा निकल के आता। ये आर पॉइंट जितना इस चार्ज वायर से, इनफाइनाइट वायर से दूर चला जाएगा उतनी ही फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। अगर इसके हम ग्राफ की बात करें तो कैसा ग्राफ बनेगा, ई और आर के बीच में, ई और आर के बीच में ग्राफ बना लीजिए, ये इसका ग्राफ, इक्वल लैम्डा अपान टू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू। अगर इसी फॉर्मूले को हम बदलना चाहें, जैसे हमने पढ़ा है कि पॉइंट चार्ज के लिए इंटेंसिटी ऑफ फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0Q/r² तो उसको इसके टर्म्स में भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूले को बदल नहीं सकते, उस फॉर्मूले को हम सेकंड चीजों में अपने हिसाब से बदल सकते हैं। यूनिफॉर्म एक चार्ज वायर था इनफाइनाइट का, उसे आर डिस्टेंस में हमें क्या कैलकुलेट करना था, फील्ड के लिए, तो हमने गॉसियन सरफेस का ड्रा कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक होती है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, जितना एरिया इस तरफ रहेगा वैसा ही घर बनेगा, हमने गॉसियन सरफेस बनाया। अब गॉसियन सरफेस से हमने क्या किया कि इट क्रिएट अ गॉसियन सरफेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड आर सिमेट्रिक, तो फाई जो क्लोज का कितना है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी है। सरफेस इंटीग्रल किसका होगा, एरिया का, छोटे से वेक्टर को एरिया वेक्टर मानकर। वहां पर हम क्या निकालते थे कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, हमने यहां पर भी वही किया, फर्स्ट और सेकंड में देखा कि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर हो गया, थीटा 90 डिग्री हो गया, तो वहां पर फ्लक्स की वैल्यू जीरो। थर्ड पॉइंट में हमने जब एरिया का छोटा सा स्टेप बनाया तो देखा कि एरिया वेक्टर आउटवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, इसका मतलब थर्ड सरफेस ही हमारा क्या बनाएगा, फ्लक्स बनाएगा, फर्स्ट और सेकंड सरफेस फ्लक्स नहीं बनाएगा। इतनी बात समझ में आई, ये हम बात कर रहे थे फर्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज वायर, इसी को कुछ लोग चार्ज सिलेंडर भी कह देते हैं, ठीक, वायर एज अ सिलेंडर होता है, नोट कर लें। अब इसी में अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें कि मान लो कि हम कहें इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, तो चलिए इसको न्यूमेरिकली देखते हैं। हमने कहा कि एक लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसमें चार्ज 9×10⁴ कूलम, चार्ज की वैल्यू दे दी है 9×10⁴ कूलम, कितनी डिस्टेंस पे 4 सेंटीमीटर पे, हमें क्या कैलकुलेट करना है,
लैम्डा कैलकुलेट करना। तो बताइए किस कैसे करेंगे, पॉज करके ट्राई कर लें कि आप उसको कैसे करेंगे। मैं पूरा लिख दे रहा हूं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है 9×10⁴ न्यूटन पर कूलाम, आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, सीबीएसई पूछा गया 2011 में। कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, फॉर्मूला क्या था, ई इक्वल लैम्डा अपॉन 2πε0 ठीक। हमको मालूम है कि 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9×10⁹। फॉर्मूला बनाने के लिए आप चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी कर दें। अगर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो इक्वल 2λ/4πε0 ठीक है। तो E की वैल्यू क्या है, 9×10⁴ इक्वल 2λ फाइंड करना है। 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9×10⁹ अपॉन में R है, R कितना 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर कन्वर्ट कर लो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10⁻²⁺ से करते हैं ठीक है। 9 से 9 कैंसिल हो गया तो कितना आया, 4×10⁻², ठीक है, ये डिनोमिनेटर में था न्यूमरेटर में चला गया, इक्वल 2λ×10⁹। तो 2×2=4 हो गया, 2×10⁹ हो गया अपॉन में 10⁹ हो गया इक्वल लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल 2×10⁹ है, 9 ऊपर जाएगा -9 तो कितना बचेगा, 2×10⁻⁷। लैम्डा इक्वल क्या होता है, Q/L चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ टू कूलाम पर मीटर। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 2×10⁻⁷ कूलाम पर। कितनी बात समझ में आई, नोट कर लें। तो हम रिवीजन कर लें फिर से एक बार कि क्या कैसे माना गया है। इनफाइनाइट फायर में गॉसियन सरफेस को ड्रा किया, उस गॉसियन सरफेस पे आर डिस्टेंस पे हमने पॉइंट लिया जहां पर हमको क्या कैलकुलेट करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने क्या ड्रा किया, लेट अ गॉसियन सरफेस अकॉर्डिंग टू कार्ल फ्रेडरिक गॉस इट क्रिएट अ सरफेस which is closed but electric field is symmetric that is called Gaussian surface। Gauss ने एक जो field draw किया closed surface में, closed surface 3D होता है। उन्होंने कहा flux not affected by any shape and size, किसी भी shape and size में हमारा flux affected नहीं होता है। तो उस जैसा भी draw कर दिया गया closed surface उसको नाम दे दिया गया Gaussian surface ठीक है। अब देखिए JEE 2015 ने पूछा Y X और Z, रेक्टेंगल दे दिया गया ए बी सी डी, लेंथ एल है और ये ए। करा इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन में देखो मैं
कह रहा है नेट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिवन है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिवन है लैम्डा एल अपॉन एन एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा एल अपॉन एन एप्सिलॉन नॉट, फाइंड एन, एन पूछ रहा है हमसे, ठीक है। यहां पर एक इनफाइनाइट वायर है जिसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी डिस्टेंस है थ्री वाई टू ए, ठीक, ये उसकी डिस्टेंस है। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कह रहा एन की वैल्यू बताइए। बात समझ आ गई, ये एक्स वाई प्लेन पे न्यूमेरिकल था, जेड पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, उस रेक्टेंगल में कह रहा है कि यहां पर एक हॉरिजेंटल में, अभी तक वर्टिकल में सिलेंडर था, हॉरिजेंटल में है जिसकी डिस्टेंस कितनी है रूट थ्री बाई टू ए, हमसे एन की वैल्यू पूछ रहा है। कह रहा हाउ मेनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिस इन द एरिया, कितनी फील्ड लाइन क्रॉस कर जाएंगी वहां पर। तो अभी तक हम कैसे सरफेस बना रहे थे, हम वर्टिकल ले रहे थे, वर्टिकल में गॉसियन सरफेस बना रहे थे। तो अगर इसमें फिगर में देखो तो शायद ऐसी फिगर है, इसकी लेंथ एल है, यहां पर यहां कैसा बनेगा, ये हमारा सिलेंडर बना, ठीक। इस सिलेंडर की जो बीच की लेंथ है डिस्टेंस कह सकते हो जिसको रूट थ्री बाई टू ए की वैल्यू, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, सोचना पड़ेगा यहां पर हमको। अगर हम कहें कि कितना ये चार्ज तो क्यू था, कितना फ्लक्स दिया, आपको मालूम है कि इनसाइड चार्ज क्यू है तो वो फ्लक्स कितना देता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। यही गॉस थ्योरम में हमने पढ़ा था, इनसाइड चार्ज क्यू है तो नेट फ्लक्स कितना दे रहा था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब ये फ्लक्स चारों तरफ से निकलेगा। एक रॉड है जो हॉरिजेंटल है तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, गॉसियन सरफेस, अब जब गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहा है तो चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट है ना पूरे में, चार्ज तो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है, तो फ्लक्स चारों तरफ से बाहर निकलेगा, चार्ज चारों तरफ से बाहर निकलेगा। लेकिन आप सोचिए कि अगर इस प्लेट की हम बात करें, इस हथेली में बात करें, तो ये जो फ्लक्स बना ये हमारा क्या सिलेंडर बना गॉसियन सरफेस जो हॉरिजेंटल में, तो फ्लक्स निकालेगा। लेकिन जो फ्लक्स है, जो फ्लक्स इस रेक्टेंगल में आ रहा है वो ये वाला फ्लक्स। तो अब सोचो कि अगर हम यहां पर रूट थ्री बाई टू ए है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, इसको आधा कर लो ए बाई, यहां से नॉर्मल ड्रा कर लो, ये नॉर्मल हो गया, तो ये मिला और ये कितना है रूट थ्री बाई टू ए। जरा थीटा निकालो कितना आ रहा है, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट है कब, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट कब है जब टोटल एंगल कितना 360 पूरे चारों तरफ, तो कितना है लैम्डा एल अपॉन एन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब अगर मुझे एंगल मिल जाए यहां से तो उस एंगल के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं कि कितना फ्लक्स आया होगा वहां। तो सोचो टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा का फ्रंट परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है रूट थ्री बाई टू ए, ठीक। ये हो गया बेस, बेस कितना है ए बाई टू, ए बाई टू ए बाई टू कैंसिल, तो थीटा कितना मिल गया 60 डिग्री। जरा सोचिएगा ये 60 है, ये 90 है, ये 30 हुआ ना, ठीक। तो ऐसे ही
ये 90 है, ये हमारा 60 है, ये 30 बताओ टोटल एंगल ये कितना बना, ये भी 30 ये भी 30, तो टोटल एंगल यहाँ का हो गया 60, मतलब 60 डिग्री पर आ गया। 360 पर जो नेट फ्लक्स था वो कितना था, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर 60 डिग्री पर चला गया तो लैम्डा एल अपॉन एन एप्सिलॉन नॉट, ठीक वन पे निकालोगे तो बाई 360 इंटू 60 से 6 टाइम गया, ठीक 60 पर कितनी वैल्यू आ रही है, कितनी वैल्यू आई 60 पे वैल्यू आई लैम्डा एल अपॉन 6 एप्सिलॉन, जरा कंपैरिजन कराओ लैम्डा एल अपॉन एन एप्सिलॉन नॉट, तो एन की वैल्यू क्या मिली 6, एन कितना मिला मुझको, ये 3D में एक्स वाई जेड है, यहां पर एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल में जो ऊपर लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो रखा है उसकी डिस्टेंस √3/2a, हमने क्या किया जब मैंने इस फिगर को बनाया कहा तो इस प्लेट को अगर हम मान लें तो इसमें जो सरफेस ड्रा कर रहे हैं वो पूरे सरफेस में चार्ज क्यों है, 360 में है, 360 में कितना था लैम्डा एल अपॉन एन एप्सिलॉन या लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन, ठीक। अब हमको ये देखना था कि फ्लक्स कितने से बाहर निकल रहा है, चार्ज क्यू में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो आना था, तो हमने क्या किया ये तो बाहर निकल गया ये चार्ज, ये फ्लक्स जो उसमें आ रहा, तो हमने यहां से मिड पॉइंट लिया और परपेंडिकुलर रख, थीटा की वैल्यू निकाली टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी √3/2a और बेस कितना था a/2 थीटा हो गया 60, तो हमने देखा कि 360 का नेट फ्लक्स कितना था लैम्डा एल अपॉन एन एप्सिलॉन नॉट, तो 1 डिग्री के लिए आप फाइंड कर सकते हैं लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट 360 और 60 के लिए इंटू 60 तो लैम्डा एल अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट आया, तो जरा कंपैरिजन करके देख लीजिए कि लैम्डा एल अपॉन एन एप्सिलॉन नॉट एन की जगह क्या हो गया 6, मतलब एन की वैल्यू क्या हो गई 6, ये हमारा नेट फ्लक्स था, ठीक है इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर, देखिए ये क्लास 12th का टॉपिक नहीं है, 12th में लेकिन जेई मेंस और एडवांस का टॉपिक है, जिसको सिर्फ 12th तक के लिए ही देखना था तो उसको इसके लिए आप जितना देख चुके हो उतना पर्याप्त है, लेकिन जिसको आगे की प्रिपरेशन करनी है उसके लिए टॉपिक बहुत अच्छा है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर के लिए कहा सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, अब इसी सिलेंडर को कई जगह लोग वायर भी लेते हैं, तो आप सॉलिड कंडक्टिंग वायर भी कह सकते हैं, उसको अलग मत समझिए, हॉलो कंडक्टिंग वायर और हॉलो नॉन कंडक्टिंग वायर। हॉलो से एक चीज आपको याद आया खोखला, खोखले का मतलब जितना भी चार्ज होगा वो सब सरफेस पे ही होगा, इतना भी चार्ज होगा वो सब कहां होगा सरफेस पे, लेकिन एक बात सॉलिड कंडक्टिंग वाले में क्या होती है, सॉलिड भी है कंडक्टिंग भी है, तो जितना भी मेटालिक होता है मेटल में उसका भी चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट होता है आउटर सेल में ही डिस्ट्रीब्यूट, इस बात को आप याद रखिए। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की बात अलग हो जाएगी, सॉलिड कंडक्टिंग हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर और हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर का डेरिवेशन एक ही होता है, नाम वो अलग अलग करके आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो हमने चलिए बात करते हैं, एक सिलेंडर है, अब उस सिलेंडर को समझने के लिए इसमें पॉजिटिव चार्ज है, रेडियस कितनी है r, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक
सिचुएशन दो चीजें होती है कि ये गॉसियन सरफेस अंदर भी बना सकता है और बाहर भी बना सकता है। तुम पहले बात कर ले इनसाइड, हम बता चुके हैं कि सिमेट्रिक फॉर्म होता है गॉस का, गॉसियन सरफेस, तो सिमेट्रिक आप ड्रा कर लीजिए। यहां पर आर डिस्टेंस कैसे बना, ठीक, पहला सरफेस, दूसरा सरफेस और तीसरा सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ध्यान से समझिएगा, हमने फर्स्ट पॉइंट में कहा इनसाइड, इनसाइड का मतलब क्या बेटा, आर इज लेस देन, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो नेट फ्लक्स फाइव बताओ कितना होगा बेटा, तीन सर्विस दिख रहे हैं, फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव, ठीक। जरा देखो बेटा इसका, इस सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे होगा और इस सरफेस का एरिया वेक्टर इस तरीके से। जरा देखो फर्स्ट और सेकंड में एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड और ये फील्ड दोनों के बीच में 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, इसका मतलब ई डी ए कॉस 90। फ्लक्स फाई की वैल्यू क्या, ई डी ए कॉस थीटा, इसका मतलब क्या है कि फाई नेट इनसाइड के लिए ये जीरो हो गया और ये भी कैसा हो गया। लेकिन थर्ड में, थर्ड में इस जगह पे, यहां पर अगर एरिया मानो तो ये एरिया वेक्टर और यही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, कितना एंगल, जीरो डिग्री। अगर जीरो डिग्री है तो ई सरफेस इंटीग्रल डी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, तो फाई नेट कितना मिला, ई सरफेस इंटीग्रल डी ए। कितनी बात समझ में आई, सरफेस इंटीग्रल डी ए। अब एक चीज सोचो कि फाई नेट क्या है, कि वो अपॉन एब्सोल्यूट है। अगर हम फाई नेट की बात करें तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q कैसा बेटा, इनसाइड, इक्वल E इंटीग्रल ऑफ dA, ठीक, इतनी बात समझी, E इंटीग्रल ऑफ। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए जाए इस बात को कि जो dA है उसकी वैल्यू क्या है, सिलेंडर की लेंथ क्या है, L है, तो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या हुई बेटा, ई इंटू टू पाई आर एल, ठीक। अब क्यू इनसाइड, क्या कोई चार्ज अंदर की तरफ है, क्या कोई चार्ज अंदर की तरफ है, चार्ज तो सब सरफेस पे है ना। अगर सारा चार्ज सरफेस पर है तो आप खुद सोचिए कि क्यू इनसाइड जो गॉस थ्योरम कहती है, क्या क्यू इनसाइड की कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। अगर क्यू इनसाइड की वैल्यू नहीं है तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। इसका मतलब क्या है, When charge distributed uniformly outward, then it cannot create Gaussian surface इनसाइड। इसका मतलब है वो अंदर की तरफ, जब चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है
इसका मतलब है कि वो इनसाइड कोई भी गॉसियन सरफेस नहीं बनाएगा, इनसाइड कोई भी गॉसियन सरफेस नहीं बनाएगा। मेरी बात को सुन ले कि अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आउटसाइड है तो इनसाइड कोई भी गॉसियन सरफेस नहीं बनाएगा। ठीक है, पॉज करके नोट कर ले। पास वन में आ गई, क्यू इनसाइड यहां पर नहीं था, इसका मतलब है कि इसने गॉसियन सरफेस नहीं बनाया। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, इधर रफ कर दे रहे हैं। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि आउटसाइड, तो फिगर भी हटा दे रहे हैं, आपको दूसरा फिगर बना दे रहे हैं। अब देखिए आउटसाइड में क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आउटसाइड है, सरफेस पे है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो इनसाइड जब नहीं बना रहा है गॉसियन सरफेस तो क्या वो आउटसाइड सरफेस बनाएगा? मे बी, हो सकता है क्यों बनाए। देखिए कैसे क्या करना है, रेडियस क्या थी? अब हम आउटसाइड, सेकंड पॉइंट हमने क्या लिया, आउटसाइड। आउटसाइड में क्या मान लें कि आर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन, तो क्या बनाएगा बेटा ये क्या बनाएगा, एक गॉसियन सरफेस बनाएगा आउटसाइड, फील्ड आउटसाइड, फील्ड। देखो तीन सरफेस हैं, पहला, दूसरा, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और ये, तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो बताओ फाई कितना हुआ, फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई, जरा फर्स्ट और सेकंड में देखो, ये सरफेस एरिया, एरिया वेक्टर आउटवर्ड और ये फील्ड, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, एंगल 90, इसका मतलब है कि ये पोर्शन जीरो हो गया और सेकंड वाला भी। तो फाई कितना मिला क्लोज्ड का, ई इंटीग्रल डीए कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो फाई क्लोज्ड कितना मिला बेटा, ई इंटू ए। ठीक, बताओ फाई क्लोज्ड ई, बताओ ए कितना बेटा, टू पाई आर, सरफेस एरिया कितना है, टू पाई आर, बताओ फाई क्लोज्ड। अब यहां पर एक नया शब्द आया, फाई क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई इंटू 2πr, सिलेंडर की लेंथ कितनी है। अब यहां पर क्यों, क्या एरिया की बात कर रहा है, इसका मतलब हमको एक डेफिनेशन पढ़नी है, एरियल चार्ज डेंसिटी, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, क्यू बाई, चार्ज पर यूनिट एरिया, एक मीटर स्क्वायर में एक सिग्मा, दो मीटर स्क्वायर में दो सिग्मा, ठीक ऐसे चार्ज हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड एरियल चार्ज डेंसिटी। कहीं कहीं कर बुक में इसको सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आप सीधे कहें चार्ज पर यूनिट एरिया, आपको कहने की कुछ जरूरत ही नहीं। तो बताइए इस सिग्मा इक्वल क्यू बाई ए, या कह सकते हो कि क्यू की वैल्यू क्या है, सिग्मा इंटू ए,
तरह वैल्यू रखू, सिग्मा इंटू ए अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई इंटू टू पाई आर एफ। ठीक है, जरा ए बताइए कितना है एरिया। अब ध्यान रखिएगा चार्ज तो यहीं तक है, चार्ज तो यहीं तक है, हमने आर डिस्टेंस पे निकाला था, लेट अ गॉसियन सरफेस माना था, गॉसियन सरफेस। लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो सिर्फ कितनी रेडियस तक है, ओनली कैपिटल आर तक है। मतलब ये एरिया ए की वैल्यू क्या होगी, टू पाई आर है। इसे ध्यान समझिएगा इस बात कि ये तो गॉसियन सरफेस है, ये रेडियस आर है ना, तो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई इंटू टू पाई आर एल, कुछ कैंसिल, टू पाई एल एल। तो बताइए ई की वैल्यू क्या आई बेटा, सिग्मा इंटू आर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू आर अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। हम चेक करके देख लें एट द सरफेस, एट द सरफेस की बात करेंगे तो यहां सॉल्व कर रहे हैं, पर देख लीजिएगा एट द सरफेस, अगर सरफेस की ही बात करते तो आर किसके इक्वल हो जाएगा, आर के, तो आर इक्वल आर, ये पोर्शन कैंसिल, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा अपान क्या हो जाएगा, ई इक्वल सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। मतलब सबसे ज्यादा फील्ड की वैल्यू कहां पे होगी, उसकी सरफेस पे। जैसे जैसे हम फील्ड से दूर जाएंगे, फील्ड से दूर जाएंगे, फील्ड की वैल्यू घटती रहेगी, और जितना रेडियस बढ़ाओगे उतनी फील्ड बढ़ेगी। देखिए मतलब का अर्थ समझिए, यहां पर जितनी पॉइंट की जितनी डिस्टेंस पे हमको कैलकुलेट करना, वो जितना बढ़ाते जाओगे फील्ड की वैल्यू घटती जाएगी। लेकिन जो आप सिलेंडर ले रहे हो, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर ले रहे हो या हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर ले रहे हो, उसके रेडियस जितनी ज्यादा होगी उसमें फील्ड की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा फील्ड कहाँ मिलेगी, सबसे ज्यादा फील्ड की वैल्यू हमको सरफेस में मिलेगी, कहाँ मिलेगी, सरफेस में मिलेगी। अगर मान लो सा ग्राफ बनाने को हमसे कह दिया जाए तो हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। मान लो ग्राफ, ये सिलेंडर है, ये आर है और ये आर। तो देखो यहां पर तो जीरो है, इनसाइड इतना जीरो है, सबसे ज्यादा कहां, सरफेस पे, और फिर सरफेस से फिर घटने लगी, सरफेस से फिर घटने लगी, E प्रोपोर्शनल वन अपान आर। तो ग्राफ कहां चल रहा है, यहां तो जीरो है, इनसाइड जीरो थी ना, यहां जीरो है क्योंकि इनसाइड इसमें कोई भी गॉसियन सरफेस नहीं बनाया, वहां पर कोई चार्ज नहीं था। सबसे ज्यादा कहां है, सरफेस पे, सरफेस के बाद जितना दूर जा रहे हो उसकी वैल्यू लगातार घटती जा रही है। बात समझ में आई, पॉज करके रोक दे। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग वायर के लिए देखो, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अंदर की तरफ, हमको वही कैलकुलेट करना है। यहां पर भी दो कंडीशंस बनेंगे हमारे, इनसाइड और आउटसाइड। तो फर्स्ट पार्ट में हम इनसाइड की बात कर दें, और इनसाइड में कितनी डिस्टेंस ले लें, आर डिस्टेंस इनसाइड। अच्छा क्या है, आर इज लेस देन, ठीक, यहां पर वॉल्यूम, ये इनसाइड है, पूरे वॉल्यूम की बात करेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, रो, और रो की वैल्यू क्या होती है, क्यू बाई वी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्यू बाई वी। ठीक है, तो बेटा गॉसियन सरफेस ड्रा कर लो, गॉसियन सरफेस ड्रा कर लो,
फील्ड कैसी आउटसाइड, यहां पर भी कैसी हो जाएगी आउटसाइड। ये फर्स्ट सरफेस, पहला सरफेस, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर अपवर्ड, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, और ये इसका थर्ड सरफेस, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर। जरा देखो यहां से क्यू की वैल्यू क्या आएगी, रो इंटू बी, क्यू की वैल्यू क्या होगी, रो इंटू बी। अब देखो अभी आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट सरफेस पे फ्लक्स जीरो होगा, सेकंड पे जीरो होगा, अभी तक आप ये देख रहे हैं। तो फाइव इक्वल फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री, तो बताओ फाइव की वैल्यू क्या निकली, फाइव थ्री आएगा, बाकी फाइव वन फाइव टू जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो यहां से बेटा क्या आ जाएगा, ई सरफेस इंटीग्रल डी। बताओ फाई की वैल्यू, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई इंटू, ये क्या टू पाई आर एल, सिलेंडर की लेंथ क्या मान लेना एल। क्यू की वैल्यू क्या है बताइए, क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू है रो इंटू वी, ठीक, रो इंटू वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई इंटू टू पाई आर एल। बताओ वॉल्यूम क्या होगा, पाई क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का वॉल्यूम, अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई इंटू टू पाई आर एल। बताओ एल से एल कैंसिल, आर से आर कैंसिल, और पाई से पाई कैंसिल, तो बताओ ई की वैल्यू क्या निकली बेटा, रो आर अपॉन में टू एप्सिलॉन, क्या निकला बेटा, रो आर अपॉन टू एप्सिलॉन। बताओ ई प्रोपोर्शनल कैसा दिख रहा है यहां पर आर के, जितना जितना आर बढ़ेगा उतना उतना ई बढ़ेगा, लेकिन आर बढ़ेगा कितना, आर जीरो से लेकर ज्यादा से ज्यादा सरफेस तक आएगा, आर की वैल्यू क्या हो जाए कैपिटल आर, उसके बाद तो आउटसाइड की बात करेगा ना, या तो आर जीरो से स्टार्ट करके कहां तक जाएगा, आर इक्वल कैपिटल आर तक जाएगा, इससे आगे थोड़ी जाएगा, इससे आगे जाएगा तो आउटसाइड की कंडीशन हो गई। ये हमारी कहां की सिचुएशन है, इनसाइड। अगर हम आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड देखिए, सेकंड में आया कि आउटसाइड आर इज ग्रेटर देन आर, फिगर जरा ड्रा कर लो, यहां पर चार्ज है, ये आर है, यहां चार्ज है, यहां पर कैपिटल आर, तो ये गॉसियन सरफेस बनाएगा। फील्ड कैसी होगी आउटसाइड, आउटसाइड यहां पर भी कैसी होगी आउटसाइड। बताओ ये फर्स्ट, यहां का एरिया वेक्टर अपवर्ड, यहां का एरिया वेक्टर अपवर्ड, दोनों कैसे फील्ड के साथ अपवर्ड 90 डिग्री पे है, और 90 पे वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो थर्ड की बात करें तो इसका इसमें ई और डीए की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, ई और डीए की डायरेक्शन सेम होगी तो क्या होगा कि फाइ इक्वल फाइ वन प्लस फाइ टू प्लस फाइ थ्री, फाइ वन और फाइ टू की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो फाइ क्या क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाइ थ्री क्या ई डी ए कितना बेटा टू पाई आर एल, ठीक, क्यू की वैल्यू क्या है रो इंटू वी, तो रो इंटू वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई इंटू टू पाई आर एल। बताओ रो वी क्या वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच कितना रेडियस आर, ये तो गॉसियन सरफेस लेफ्ट माना गया है ना, तो आर रेडियस तक सरफेस है, कितना होगा पाई आर स्क्वायर एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई इंटू टू पाई आर एल। बताइए क्या कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो बताइए ई की वैल्यू क्या आई, रो इंटू आर स्क्वायर अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट आर, कितना हो गया टू
एप्सिलॉन नॉट ये आउटसाइड। तो ये सिचुएशन में यहां कहीं भी वैल्यू जीरो नहीं है। अगर मान लो कि आर इक्वल आर के हो जाए, एट द सरफेस की बात करें तो ई सरफेस पे कितना आ जाएगा, सिग्मा एक आर से कैंसिल, आर अपान टू एप्सिलॉन कितना हो जाएगा, सिग्मा आर अपान टू एप्सिलॉन। यहाँ पर वॉल्यूम की सॉलिड नॉन कंडक्टिंग वायर की बात कर रहा था, जिसको नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ और एप्लीकेशंस हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।